नमस्कार, बीडी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। भागलपुर के नवगछिया पुलिस कमिश्नर वंदना किन्नी ने नवगछिया पुलिस मुख्यालय पहुंचकर आशुतोष हत्याकांड की समीक्षा की है और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बेपुर के पूर्व थानाध्यक्ष रंजीत कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आशुतोष हत्याकांड की घटना उनके लिए काफी दुखद है, पिछले 20 से 30 वर्षों में इस तरह की घटना कहीं भी नहीं हुई है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं श्रीमती किन्नी ने कहा कि वे लगातार इस मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं। मालूम हो कि इस घटना के बाद पुलिस के विश्वसनीयता पर उंगली उठ रही है। पुलिस एक बार फिर से जनता का विश्वास कैसे हासिल करेगी, ये प्रश्न के जवाब में वंदना किन्नी ने कहा कि पुलिस का व्यवहार हमेशा से दोस्ताना रहा है और रहेगा भी। आम जनता के बीच रौब दिखाने वाले या फिर आम जनता को खामखा परेशान करने वाले पुलिस वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 3 नवंबर को पूर्व थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के घर की कुर्की जब्ती की गई है। अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस की छानबीन भी चल रही है। जिन लोगों की भी इसमें संलिप्तता होगी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देर शाम नवगछिया पुलिस मुख्यालय पहुंची कमिश्नर वंदना किन्नी ने नवगछिया की SP सपना जी मेश्राम के साथ आशुतोष हत्याकांड पर विस्तार से विचार विमर्श किया है। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। तो मालूम ही है, इंक्वायरी चल रहा है, इसीलिए आए। इसमें कहाँ तक अपडेट हुआ सर? हा? क्या आगे प्रोसेस क्या हुआ? पिछली बार आए थे, अब आए हैं, बीच में क्या प्रोग्रेस हुई है ये जानना जरूरी था। थाना अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? थाना अध्यक्ष अभी तक नहीं गिरफ्तार हो पाए। कब तक बर्खास्त का जो था उसमें कुर्की जब्ती का तो काम हुआ है 20 तारीख को जी, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाया। बर्खास्ती का सर आप आश्वासन दिए थे लिखित, उस पर क्या हुआ? वो आप SP साहब से पूछिए। पुलिस का विश्वसनीयता खोया जा रहा है मैम, इस जो घटना हुई इससे पुलिस का विश्वसनीयता जो था बना हुआ वो खोया जा रहा है और पब्लिक में डर सा माहौल आ गया है। इस पर आप पुलिस का जो विश्वसनीयता था पब्लिक के बीच, हम लोग मैडम जाते हैं तो वहाँ पे पब्लिक लोग कहता है कि पुलिस से हमको डर लगने लगा है, वो लोग पीट पीट के मार देता है, तो इसमें मैडम बताइए कुछ। इस तरह की घटना कभी सुनी नहीं गई है, पिछले 25-30 साल में हमने तो नहीं सुना है, और इस तरह का अचानक जो हुआ है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है, दुखद हुआ है और बहुत कड़ी कार्रवाई इसमें होगी जो भी दोषी पाए जाए। तो ऐसी घटना सामान्यतः नहीं होती। पब्लिक के बीच कैसे पुलिस अपनी फिर अपने उसी तरह से रहेगी, पब्लिक फ्रेंडली होगी? ये पुलिस को तो फ्रेंडली होना ही चाहिए पब्लिक के साथ, जो दोषी है उनको तो नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो अदरवाइज जो पब्लिक है उसके साथ इस तरह का सलूक तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ दिशा निर्देश में बैठक में किस तरह का? अभी तो फिलहाल तो हम लोग इंक्वायरी पूरी करेंगे, आगे देखेंगे। अब वहाँ भी जाएंगे मैम जहाँ घर है? नहीं, घर हम वो आए परिजनों का क्या तरह संवाद है मैम? परिजनों से भी बातचीत की है, उनका पक्ष भी लिया गया है।